तारिए तू तारण हार पुदावंग अवर न तारे दूजा कोई अली तू ही तू अवर न तारे दूजा कोई अली तू ही तू बोला नाजरी में हम फसल बात पड़ो मोमिनो अल्लाह मक्का शरीफ के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ। दुनियावी बदन लेके रसूलुल्लाह पैदा हुए, माता आमिना के पेट से पैदा हुए। माता आमिना कहती हैं कि जब मोहम्मद मेरे पेट में था तो मैं कभी कभी उदास हो जाऊं तो मुझे अंदर से आवाज देता था, मां उदास मत हो, ये सारी दुनिया मेरे नूर से बनी है। माता आमिना कहती हैं जब पहली दफा मैंने अपने पेट में से आवाज सुनी तो मैं घबरा गई, क्योंकि ये कोई आम चीज नहीं, मगर बाद में मेरे अंदर से ही इस बात का यकीन होता गया कि मेरे पेट के अंदर जो मौजूद है वो जमीन आसमान का कोई मामूली इंसान या फरिश्ता नहीं। रसूल अकरम की जब पैदाइश हुई तो उस दिन का जिक्र गुरपी सदरुद्दीन ने एक पाठ के अंदर कहा है, आप ऐसा समझ लो कि गागर में सागर समा गया। हम उर्दू में कहते हैं कूजे में दरिया समा गया। ओ जीरे भाई रे की मदद के लिए। रसूल अकरम जब पैदा हुए गुरबी सदरुद्दीन फरमाते हैं स्वर्ग के सातों के सात दरवाजे खुल गए, जन्नत के सात तबके हैं। जो सबसे नीचा तबका है उसको जन्नत कहते हैं और जो सबसे ऊंचा तबका है उसको फिरदौस बरीन कहते हैं। सातों के सात बहिश्त के दरवाजे खोल दिए अल्लाह ने उस मौलूद की शान और इज्जत के अंदर और खुशियों के अंदर, कि उस दिन ये दरवाजे खुलने का मतलब क्या कि खुदा की बेहिजाब रहमत हो गई
उस दिन तक जितने भी दुनिया के सारी खुदा की खुदाई में जो गुनहगार थे उन सबको बहिष्त के दरवाजे खोल दिए, मतलब कि तुम्हारे गुनाह इस नए मौलूद की मुबारक पदरामनी के ऊपर माफ कर दिए। रसूल अकरम 40 बरस की उम्र में नबी नहीं बने, ऐसे तो ऑर्डिनरी इंसान दुनिया में बहुत पैदा होते हैं, लेकिन जिस मौलूद के जन्म के ऊपर अल्लाह ताला ने बहिष्त के दरवाजे खोल दिए, उन बहिष्त के दरवाजे खोलने का मतलब ये है कि उस वक्त तक जितने गुनहगार थे खुदा की खुदाई में उन सबको बख्श दिया। जब भी कोई राजा रजवाड़ा के घर में कोई मौलूद पैदा होता है तो राजा रजवाड़ा क्या करता है, कैदियों को छोड़ देता है, कैदखानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। रसूल अकरम मोहम्मद का नूर जमीन आसमान इस नूर की वजह से पैदा हुआ, इस नूर की वजह से खुदा ने सबसे पहले अपने नूर से मोहम्मद के नूर को जुदा किया और फिर मोहम्मद के नूर से हर शय बनाई। नबी साहब जब छोटे थे तो छोटी उम्र से ही उनका उठना बैठना सोचना बोलना चलना तमाम लड़कों से अलग था। रसूल अकरम ने अपनी जबान से बच्चों के साथ कभी झगड़ा नहीं किया, गाली नहीं निकाली, कभी नहीं। और इस तरह से छोटी उम्र से रसूल पाक आंखें बंद करके बैठा करते थे। 3 बरस की उम्र में अपने बाप की बकरियां चराया करते थे, पालने वाला बाप। रसूल अकरम के जो बाप हजरत सैयदना अब्दुल्ला थे वो तो आपकी पैदाइश से पहले ही गुजर गए थे। बाद किताबों के हिसाब से नबी जन्म लिए उसके 2 महीने और बाद किताबों के हिसाब से 3 महीने पहले गुजर गए। माता आमिना ने 3 महीने तक दूध पिलाया और उसके बाद फिर एक दाया रखी गई। रसूल अकरम को हजरत सोबिया ने अपना दूध पिलाया। हजरत सोबिया किताबों के हिसाब से छिंगनी थी, छोटा कद था, मोटी थी। माता सोबिया लिखती हैं, उनका भी एक छोटा बच्चा था रसूल पाक की उम्र जितना। कहती हैं, मैंने जब मोहम्मद को लिया दूध पिलाने के लिए तो मैं पहले मोहम्मद को दूध पिलाती थी, फिर मैं अपने बेटे को देती, बच्चे को देती थी। और इतना दूध खुदा मुझे अता करता था कि दोनों बच्चे अच्छी तरह से पल जाते थे। माता सोबिया का जिक्र करते करते मुझे एक हाल ही का मॉडर्न वाकया एक याद आ गया। कराची का जो बगीचा जमात खाना है, इस जगह के ऊपर पुराना जमात खाना था, पीले रंग की पत्थर की बिट और बैठा जमात खाना था, अभी तो डबल स्टोरी का है। इस जमात खाने के अंदर 50-60 बरस पहले की बात है, हजरत मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सलवतुल्लाह अलैह जमात खाने में आए तो सरकार जहां कुर्सी पर बैठे थे, इधर मर्द हैं, इस तरफ औरतें हैं, तो कुर्सी के सामने ही एक औरत बैठी थी, मोटी ताजी, लाल गुलाब की तरह उसका मुंह। जैसे ही मौला बैठे नजर पड़ी, कुर्सी से वापस उठ गए, नीचे उतर के उसके पास गए। जब मौला को आते हुए देखा
उसने जमीन पे दो हाथ रखे उठने के लिए, मौला ने झुक के उसके कंधे पकड़ लिए, उसको उठाया, उसके दोनों कंधों पे हाथ रखा। रतन बाई, उसका नाम था रतन बाई, ये वो रतन बाई थी जो रसूलुल्लाह के जमाने में सौबिया थी। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह को भी इस रतन बाई ने दूध पिलाया। मौला उठ के उसके पास गए, रतन बाई हमने तुम्हारा दूध पिया, हम बूढ़ा हो गया, अमा तुम अभी तक जवान है माशाल्लाह, 90 बरस के ऊपर की उम्र उसकी, लेकिन आप देखो उसका मुंह 25-30 बरस की जवान औरत की तरह नूर उसके चेहरे पे था। हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, कैसी नसीबदार औरत होगी, इमाम जमान होने वाले इमाम जमान को दूध पिलाया। नबी और इमाम वो दूसरे इंसानों की तरह नहीं है, नबी और इमाम तो जन्म से ही आला और अरफा होते हैं, एक दुनिया के हिसाब से उनको डिक्लेयर करना पड़ता है। रसूल अकरम छोटी उम्र से अपने इस बाप की जो गॉड फादर था उसकी बकरियां लेके जाया करते थे। 3 बरस की उम्र में दरख्त के नीचे आप टेक लगा के ऐसा रिक्लाइन हो जाए, आंखें बंद कर ले, इस उम्र के अंदर रियाजत और इबादत किया करते थे। मैंने नबी अकरम की बातें आपको इसलिए सुनाई कि आपको जो मैं कहना चाहता हूं उसकी बैकग्राउंड आपको याद रहे। बहुत वर्षों से रसूल पाक की जिंदगी के हालात पढ़ता रहता हूं, ऐसा नहीं है कि मैंने एक दफा पढ़ के छोड़ दिया। रसूलुल्लाह की सीरत जो है, रसूलुल्लाह की जो लाइफ है, बायोग्राफी, तो मैंने बहुत दफा पढ़ी है और हर दफा उसके अंदर से कुछ ना कुछ नई चीज मिलती रहती है। रसूल पाक की 63 बरस की दुनियावी जिंदगी पढ़ते 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 मैंने देखा तो नबी साहब की जिंदगी में दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और इन्हीं दो चीजों के ऊपर रसूलुल्लाह ने अपनी सारी जिंदगी वजन डाला। ये दो चीजें ये थी, अल्लाह एक है, वहदुल्लाह शरीक है, अल्लाह एक है, इसके ऊपर बहुत जोर दिया, अल्लाह की वहदत के ऊपर बहुत जोर दिया। दूसरी जो चीज थी वो अली की मोहब्बत बताई। रसूलुल्लाह की सारी जिंदगी इन दो चीजों के इर्द गिर्द घूमती है, अल्लाह की इबादत और अली की मोहब्बत। इन दो चीजों को बहुत समझो और बहुत समझने की बात है उसके अंदर। हमारे मजहब की ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस अहले बैत की तौकीर, इज्जत और उसकी बड़ाई का जिक्र करते करते जबान थकेगी नहीं। हजरत रसूल अकरम नमाज पढ़ा रहे हैं, 2.5-3 बरस के इमाम हुसैन दरवाजा खोल के मस्जिद में आ गए, देखा तो नाना जान ने जमीन पे सिर रखा है, भाग के आए, रसूलुल्लाह की गर्दन के ऊपर इस तरह बैठ गए जैसे घोड़ा के ऊपर आदमी बैठता है, एक पांव इधर एक पांव इधर। आपको मैंने ये वाकया सुनाया है मगर वापस सुना रहा हूं ताकि आप उस सारी लिंक के अंदर आ जाओ। सजदा लंबा हो गया, इसलिए लंबा हुआ कि वही नाजिल हुई, ऐ मोहम्मद जब तक हुसैन नहीं उठे सिर नहीं उठाना। बहुत लंबा सजदा हो गया तो लोग उठ के देखने लगे क्या बात है, तो देखा तो हजरत इमाम हुसैन
नबी के कंधे पे बैठे। बाद लोग कहते हैं हम ऐसा समझे कि रसूलुल्लाह ने सजदे में वफात पाई, इतना लंबा सजदा हो गया, काफी देर तक सजदा लंबा हो गया। जब इमाम हुसैन फिर खुद अपनी मर्जी से उठे तो तब हुजूर उठे। वो जो पहला सजदा था वो तो अल्लाह के लिए किया, जो एक मिनट का सजदा है, तो ये दूसरा सजदा इतना लंबा ये किसके लिए किया? हुसैन के लिए। तो अगर नबी ने हुसैन के वास्ते सजदा किया है तो हम अली इमाम के लिए, हुसैन भी है वही, अली भी है, जैनुल आबदीन भी है, हसन अली भी है, अली शाह भी है, सुल्तान मोहम्मद भी है, और हजरत मौलाना शाह करीम सलवातुल्लाह अलैहि भी वही है। कौन सी बड़ाई होगी? और अल्लाह का जो सजदा है वही इमाम का सजदा है। दीनदारो, मुर्तजा अली अलैहि सलाम की बातें करूं कि एक दिन हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह कराची के अंदर बैठे थे, हुजूर ने फरमाया, हाथ में लकड़ी थी, ये फरमान एक दफा बंबई में भी ऐसा ही है, और वो मिशनरियों के अंदर ही क्रिश्चियन क्लब में था, लेकिन कराची के खड़ा घर जमात खाने के अंदर लकड़ी हाथ में थी। तो मौला फरमाते हैं, देखो ये लकड़ी, ये इमाम हुसैन की लकड़ी है, हम इमाम हुसैन है। इस किस्म के जो दावे हैं हमारे यहां वो इमाम के दावे हैं। दीनदारो, 1400 बरस से ये हमारा इमाम, इसके बाप दादा 1400 बरस से दावा करते चले आए हैं कि हम हाजिर इमाम हैं। हर इमाम ने दावा किया है मैं हाजिर इमाम हूं, हर इमाम ने दावा किया है कि मेरी ये इमामत कयामत तक चलेगी, हर इमाम ने दावा किया है कि हम आले रसूल हैं, हर इमाम ने दावा किया है कि इस्लाम के रक्षक हम हैं, हर इमाम ने अपनी इमामत का ऐलान दुनिया के अंदर किया है, और हर इमाम ने अपने मुरीदों को कहा है कि कयामत के दिन हम तुम्हारा हाथ पकड़ेंगे। मैं आपसे एक ही बात पूछता हूं, एक आदमी झूठ बोलता है तो कितनी देर तक झूठ चलेगा? एक नस्ल चलेगा, दो नस्ल चलेगा, 50 बरस चलेगा, 100 बरस चलेगा, 200 बरस चलेगा? 1400 बरस से ये झूठ बोलता आया है और आज तक चलता आया। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 1400 बरस तक झूठ चले। हजरत रसूल अकरम से लेके आज तक 32 आदमियों ने इमामत का दावा किया, जो मारे गए, खत्म हो गए, नस्ल बर्बाद हो गई, नामो निशान मिट गए। 32 आदमियों ने, किसी ने नबूवत का दावा किया, किसी ने इमामत का दावा किया, कहां गए? एक भी नजर नहीं आता, सब खत्म हो गए। लेकिन ये दावा करता चला आता है, इसका दावा आज 1400 बरस हुए तो झूठ नहीं पड़ा, कयामत तक झूठ होने वाला नहीं है। यही सबसे बड़ी सदाकत, यही सबसे बड़ी हिकमत है इस बात के लिए समझने की, चार चार युग माह फरी, चार चार युग माह युग देख लो, इसके सामने कोई खड़ा नहीं हुआ। तारिये तू तारण हार खुदावंद, अवर न तारे दूजा कोई। इस अली की शनाख्त करो मोमिनो,
इस अली से मोहब्बत करो, इस अली की अतायत करो, इस अली के गुण गाओ, इस अली की इबादत करो, यही सब कुछ है और दूसरा कोई नहीं, और दूसरा कोई नहीं। जब हम इसकी शनाख्त कर लेते हैं, जब हमारे दिल में यकीन हो जाता है, और वो ये यकीन मेरी आवाज सुन के कि किताबें पढ़ के नहीं होता, वो यकीन तो इसलिए होता है कि आप बैतुल ख्याल की इबादत में उसको देखो, जाहिर के अंदर उसको कपड़े पहने हुए देखा है, यानी बदन है उसका, ये कपड़े हैं नूर के, उसको असल नूरी हालत में देखो, असल स्वरूप में देखो कि वो अली मुश्किल कुशा है या कोई और है। ए जी कबीर दिन मेरे मोमन को बहिष्ट मकाम इलाही भेद तंतव नाम लीज। मौलाना हाजर इमाम आपको सुखी आबाद करें, ईमान की सलामती दे, हकीकती समझ दे, अपनी पनाह छत्र छाया में रखे, हर बला आफत दूर करे, हर मुश्किल आपकी दफे करे, आपकी हर दुआ कबूल करे, आपकी इबादत बंदगी में बरकत देवे, दसवन सुकरीत में पूरा करे, आपके दिलों में सुकून और खुशियां देवे, आपको मोहब्बत और इत्तफाक देवे, जमातों के अंदर भी और कुनबों के अंदर भी आपकी रोजी कमाई में बरकत देवे, जान माल में बरकत देवे, आल औलाद में बरकत और सलामती देवे। मौला आपकी तमाम बीमारियां दुख दूर करे, मौला दीन दुनिया के अंदर हमेशा आपको ऊंचा उठाता रहे, आपको रूहानी कुवतें देवे, जहर बातों के अंदर आपको अपनी नूरानी दीदार इनायत करे।